सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य क्या है? ये कहना बहुत आसान है। सत्य है, केवल सत्य है कि आप आत्मा हैं। ये मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार आदि जो उपाधियां हैं उससे परे आप आत्मा हैं। किंतु अभी तक उस आत्मा का प्रकाश आपके चित्त पर आया नहीं, या कहें कि आपके चित्त में उस प्रकाश की आभा दृष्टिगोचर नहीं हुई। पर जब हम सत्य की ओर नज़र करते हैं तो सोचते हैं कि सत्य एक निष्ठुर चीज़ है, एक बड़ी कठिन चीज़ है। जैसे कि एक ज़माने में कहा जाता था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोग कहते थे कि जब सत्य बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होगा, और जो प्रिय होगा वो शायद सत्य भी ना हो, तो इनका मेल कैसा बैठाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है, सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत। जो हितकारी होगा वो बोलना चाहिए, हितकारी आपकी आत्मा के लिए। वो आज शायद दुखदाई हो लेकिन कल जा कर के वो प्रियकर हो जाए। ये सब होते हुए भी हम लोग एक बात से कभी कभी चूक जाते हैं कि परमात्मा प्रेम है और सत्य भी प्रेम ही है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बारे में हर चीज़ को वो जानती है, उस प्यार ही से उद्घाटन होता है उस सत्य को जो कि उसका बच्चा है। और प्रेम की भी व्याख्याएं जो हमारे अंदर हैं वो भी सीमित मानव की जो चेतना है उससे उपस्थित हुई है। वास्तविक में प्रेम किसी चीज से चिपक ही नहीं सकता। प्रेम तो उसी तरह की चीज़ है जैसे कि एक वृक्ष में उसका जो प्राण रस है वो चढ़ता है और जड़ों को, उसके पत्तियों को, उसके फूलों को, फलों को पूर्णतया आशीर्वादित करता हुआ फिर लौट जाता है। लेकिन अगर सोचे कि वो कहीं जा कर के एक फूल में अटक जाए और कहे कि ये फूल मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उस पेड़ की तो मृत्यु होगी ही और उस फूल की भी हो जाएगी। सो ये जो चिपकने वाला प्रेम है ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब दो इंसान में प्यार होता है थोड़े दिन बाद वो प्यार बैर भी हो सकता है। इसी प्रकार दो देशों में प्यार हो कल वो भी बैर हो सकता है, दो जाति में प्यार हो वो बैर हो सकता है। ये प्रेम बैर कैसे हो जाता है ये बड़ी सोचने की बात है, इसलिए कि प्रेम का सत्य स्वरूप हमने जाना नहीं। परमात्मा का प्रेम बहता है, देता है, करता है और उसके बाद कहीं चिपकता नहीं, किसी में अटक नहीं जाता। लेकिन
हम लोग इस दोनों का मेल नहीं बिठा पाते कि सत्य और प्रेम एक ही चीज़ है, जैसे चांद और उसकी चांदनी और सूर्य और उसके किरण, जैसे अर्थ और शब्द दोनों एक साथ मेल खाते हैं, उसी प्रकार सत्य और प्रेम दोनों एक साथ हैं। इसीलिए बहुत से लोग सत्य के खोज में न जाने क्या क्या विपदाएं उठाते हैं, क्या क्या तकलीफें उठाते हैं। वो सोचते हैं कि जब शरीर को दुख दिया जाएगा तो हमें सत्य मिल जाएगा। शरीर को दुख देने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शरीर परमात्मा ने बनाया है और वो एक मंदिर है, उसमें एक दीप जलाना। जैसे आजकल विदेशों में एक पागलपन सवार है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल मच्छरों जैसा पतला दुबला हो जाए, उसके लिए सब आदमी इस तरह से मेहनत करते हैं कि मच्छरों जैसे होने के लिए, उसके वजह से अनेक बीमारियां वहाँ लोगों में आ गई। और इन मच्छरों को कोई सुख मिला ऐसा दिखाई नहीं देता, ना उस देश में कोई आनंद है। तो दृष्टि कहाँ गई? एक बहुत ही स्थूल चीज़ के ओर, जिसका कोई भी अर्थ नहीं लगता है। जिसकी दृष्टि स्थूल होगी वो स्थूली चीज़ों को देखता है, लेकिन सूक्ष्मता से आप विचार करें कि इस तरह के पागलपन से क्या परमात्मा किसी को भी मिला है? क्या परमात्मा को इसमें सुख होगा कि आप अपने को दुख दें? ईसाई लोगों ने तो हद कर दी कि ईसा मसीह की हड्डियां निकाल के और टांग देते हैं और कहते ये ईसा मसीह है। देखकर मेरा जी ऐसा लगता है कि इसे पूछा जाए कि जिस इंसान ने एक इतने बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाया था, क्या वो इन हड्डियों के बूते पर? लेकिन इसमें एक समाधान उन लोगों के पास है कि हम किसी जालिम तरीके से, कोई दुष्ट क्रूर प्रकृति से ईसा मसीह की ओर देख रहे हैं। यही चीज़ आपको आगे हम सुनाते हैं कि जब आप जाइए पोप के सिस्टीन चैपल में, ये क्या हो रहा, इनको बाहर ले जाए, आप लोग बैठ जाइए, ऐसा होता है कभी कभी किसी को, यही बात है। देखिए, बीमार लोगों को प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, वैसे हमें आप मिलने चले आइए, लेकिन बीमार लोगों को लाइए नहीं, क्योंकि इस वक्त आप नहीं जानते हैं सारे वातावरण में शक्ति का संचार है। जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह भी होती है तो हम हर एक आदमी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते हैं, इसकी वजह यह है कि सब बर्दाश्त होना चाहिए। बीमार लोगों को आप कृपया कल बिल्कुल यहाँ मत लाइए, उसके लिए बाद में केंद्र में जाकर आप लोग अपनी बीमारियाँ ठीक कर लीजिए। बहरहाल वो अब ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन ये जो प्रेम की शक्ति है, इस प्रेम की शक्ति को समझने के लिए बड़ा भारी हृदय चाहिए। जिस इंसान के पास हृदय नहीं होगा वो इसे समझ नहीं पाएगा। जैसे कि सिस्टीन चैपल, जो कि आप रोम में जाएं, वेटिकन में देखें, तो वहाँ माइकल एंजेलो नाम के एक बहुत बड़े कलाकार ने सारा कुंडलिनी का चित्र बना कर रखा हुआ है और आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह को खड़ा किया है, वो भी गणेश जी जैसे लंबोदर खड़े हुए हैं और इधर से उधर लोगों को फेंक रहे हैं। उसका नाम उन्होंने लास्ट जजमेंट कहा हुआ है, लेकिन पूरी कुंडली दिखाई है। अगर आपको कुंडलिनी का ज्ञान हो तो आप अवाक रह जाएं कि इस आदमी ने कौन सी दृष्टि से ये सब चित्र देखा और इस तरह से सब चित्र बनाया हुआ। लेकिन उसी के नीचे वो हड्डी वाला ईसा मसीह रखा हुआ है, देखकर ग्लानि होती है।
कम से कम हमारे भारतवर्ष में किसी भी अवतारों को हड्डी मार का नहीं दिखाते, और नहीं ये माना जाता है कि हड्डी मार का परमात्मा हो सकता है। वजह यह है कि हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि नहीं है, या तो हमारे अंदर वासना है और दुष्टता है। जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही गहन उतर सकता है।